हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स हॉस्पिटैलिटी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट्स एंड लाइक एंड ढेर सारा प्यार देख के। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि कॉन्टिनेंटल कुजीन क्या होता है, तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये वीडियो पर्टिकुलरली जो लोगों का ये डाउट है उसको क्लियर करने के लिए वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल कुजीन को समझने से पहले एक बार हमारा ये समझना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंटल देन कुजीन, ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, फिर कुजीन का मतलब क्या होता है। यस, कॉन्टिनेंटल कुजीन को समझने से पहले हमको ये समझना है पहले कि कुजीन क्या होता है, फिर कॉन्टिनेंटल कुजीन, फिर इंडियन कुजीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओरिएंटल कुजीन, इस तरह के बहुत सारे कुजीन होते हैं। तो कुजीन क्या होता है बेसिकली, लेट मी क्लियर योर डाउट्स। कुजीन बेसिकली एक स्टाइल ऑफ फूड होता है, एक आर्ट होता है, एक तरीका होता है। हर देश का, हर कंट्री का, हर रीजन का, हर स्टेट का, हर जगह का, हर प्लेस का एक अलग अंदाज होता है खाना बनाने का तरीका। जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ इंडिया, अगर वहाँ पे खाना आप देखे हुए तो वहाँ पे ज़्यादातर करिया जो पत्ता होता है यानी करी लीफ जो होता है वो यूज़ करते हैं, यानी खट्टा स्पाइसी में दे आर एक्चुअली यू नो क्वाइट पॉपुलर। अगर आप यू नो लेट्स से दिल्ली कुजीन का अगर बात करोगे तो वहाँ पे छोले भटूरे बहुत यू नो लोगों को पसंद है, इवन पराठे रोटी बहुत पसंद है लोगों को। तो अलग अलग जगह का अलग अलग खाना ऐसे होता है या और अलग अलग तरीके से भी खाना पकाया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप दाल की बात करोगे तो लेट्स से दाल अगर आप नॉर्थ इंडियन में नॉर्मल यू नो येलो लेंटिल से बनता है और दैट इज़ नॉर्मल वे पे तड़का मार के लोगों को दिया जाता है। पर साउथ इंडियन में जब जाओगे तो वहाँ पे दाल में क्या करते हैं, थोड़ा हल्का सा स्पाइसी बनाते हैं वो लोग दाल को, साथ में यू नो दे ऐड लॉट्स ऑफ टोमेटो इन इट, सो इसका जो फ्लेवर होता है वो टैंगी बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हमारा कुजीन हो गया। कुजीन मतलब सिंपली आपको समझना है स्टाइल्स ऑफ फूड ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। एक अलग तरीके का खाना बनाया जाता है और एक पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कुजीन माय फ्रेंड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कॉन्टिनेंटल कुजीन। कॉन्टिनेंटल कुजीन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल कुजीन मतलब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब यू नो यू कैन से दैट यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर कॉन्टिनेंटल को हमको समझना है पहले ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया कैसे बनाया गया है। पूरी दुनिया जो है ऑन एन एवरेज 7 महाद्वीपों से बनाया गया है। तो ये 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। सो यूरोप महाद्वीप जो है उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। कंट्रीज मतलब इटली है, फ्रेंच आता है, लेबनीज आते हैं, यू नो आपके ऑस्ट्रेलिया आता है, हंगरी आता है, ग्रीम पॉइंट ऑस्ट्रिया आता है, इस तरह के 51 कंट्रीज आते हैं यूरोपियन कंट्री के अंडर। सो यूरोपियन बेसिकली एक महाद्वीप, एक महा यू नो इसको देश नहीं बोल सकते हैं, एक द्वीप बोलते हैं। इस द्वीप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उस कंट्री का जो खाना हम लोग सर्विस करते हैं हमारे होटल्स में या रेस्टोरेंट में, उसी खाने को ही हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंटल कुजीन। क्योंकि ये सारे जो देश हैं इस देश को हम लोग यू नो एक ग्रुप बना के उसका नाम रखा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल करके ग्रुप हमने बना दिया है, उसी के अंदर ये सारे देश आते हैं माय फ्रेंड्स। सो ये सारे देशों में जो भी खाना पकाया जाता है उनके कंट्री में, वो सारे खाने को हम लोग अपने किचन में बनाते हैं, अपने होटल के किचन में, और कस्टमर को हम लोग खिलाते हैं। तो दैट कुजीन जो होता है, दैट खाना जो होता है, उसी खाने को हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये ले सकते हैं इटालियन का पिज्ज़ा, विच इज़ वेरी पॉपुलर, लाइक यू कैन से दैट दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पिज्ज़ा। इन दैट वी हैव मार्गरीटा पिज्ज़ा एज वेल, जो कि 12 इंच का साइज होता है। सो इटली का खाना जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाता है, यू नो यू विल यू कैन ऑल्सो गेट अ पास्ता, इटालियन पास्ता एज वेल। सो देर आर लॉट्स ऑफ पास्ता वराइटीज अवेलेबल, नोकी हो, रिसोटो हो, या फिर लिंग्विनी हो, या फिर आपका फारफले हो, फ्यूजली हो, स्पेगेटी हो, बहुत सारे हैं पास्ता वराइटीज। इसको मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा कि पास्ता वराइटीज एंड सॉस वराइटीज के बारे में। तो आपको फ्रेंच का ऑनियन सूप भी हम लोग
अपने होटल में देते हैं कस्टमर को. सो फ्रेंच ऑनियन सूप, सो इमेजिन दैट फ्रेंच ऑनियन सूप, इट्स अ फ्रेंच कंट्री, फ्रेंच मतलब फ्रांस कंट्री, फ्रांस कंट्री में से ये फ्रेंच ऑनियन सूप आता है जो हम लोग कस्टमर को सर्विस करते हैं. तो इस टाइप के खाना को हम लोग क्या बोलेंगे, सूप जो है, इस सूप को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल सूप. गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स से कि यू हैव व्हाट इज कॉल्ड, यू हैव अ क्रीम सूप ऑफ एस्परगस, यू कैन से दैट. क्रीम सूप भी होते हैं, ठीक है. पोटैटो लीक सूप भी होता है जो कि कॉन्टिनेंटल सूप पे होता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह के बहुत सारे खाना है जो हम लोग कस्टमर को सर्विस करते हैं हमारे रेस्टोरेंट में, ठीक है. तो उनके देश का खाना जो हम लोग यहाँ पे सर्विस करते हैं, दिस इज व्हाई वी कैन कॉल्ड दीज फूड, ये जो फूड होते हैं इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल फूड बोलते हैं. आई एम श्योर आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा कि कॉन्टिनेंटल फूड हम किसको बोलेंगे, इतना बड़ा वर्ल्ड है तो कॉन्टिनेंटल कुजीन किसको बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल फूड किसको बोलेंगे. कॉन्टिनेंटल कुजीन ही कॉन्टिनेंटल फूड ही है, दोनों सिमिलर हैं, कोई अलग नहीं है इसमें. सो कॉन्टिनेंटल फूड, आई एम श्योर यू विल क्लियर इट आउट, कॉन्टिनेंटल फूड किसको बोलते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ पुट अवर लाइक्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई वीडियो. आप कमेंट करोगे तभी जाके मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा. सो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ आपके सीखने के लिए है और आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू सो मच.